अभी आ रही आवाज? हेलो, अभी आ रही आवाज? हाय अभिषेक, हाउ आर यू? सो कैसे हो आप लोग? हाय अंकित, हाउ आर यू? क्यों, क्या हो गया ईशा? आपने मेडिसिन्स वगैरह लिया? प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अभी एग्जाम्स आने वाले हैं। बी रेडी, बी केयरफुल, अपनी हेल्थ का जरा ध्यान रख दीजिए। क्लाइमेट बहुत गंदा चल रहा है, क्योंकि मतलब ये जो है रेन आ रही है, नहीं आ रही है। एक्चुअली वी नीड अ रेन, मतलब बारिश की हमको सबको जरूरत है। बट क्या कहे के पता नहीं क्या है, मतलब बारिश जो है जितनी लिमिट में हमारे पास गिरनी चाहिए वो लिमिट में हमारे पास नहीं आ रही है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ ही रही है। वी ऑल आर फेसिंग अबाउट इट, वी ऑल आर फेसिंग। लेट्स सी कैसा क्या होता है, क्या नहीं होता है। और आप लोग सुनाओ, मैं अपनी फाइल ओपन कर रही हूँ। जब तक बी रेडी, होप सो के टैक्सेशन का आपको जो पार्ट था, जितना मैंने कराया, वो सब एक अंडरस्टैंड है। अब हम आगे के जो देखने जा रहे हैं उसको प्रैक्टिकल चीज़ों में भी हमको देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कि कंप्लीट कर लिया एंड ऑल दिस थिंग, ओके? सो ऐसा नहीं है, हमको हर एक चीज़ को प्रॉपरली टाइम दे के हर एक चीज़ें मैनेज करके चलनी है। तो लेट्स सी कि हम कितनी चीज़ें कैसे कर पाते हैं और क्या चीज़ें, जैसे जैसे मैंने प्लान किया है वैसे वैसे मैं आप लोगों के पास दे ही रही हूँ। और लेट्स सी, होप के एवरीथिंग विल बी फाइन और वी विल इंशाल्लाह डू द बेस्ट अवर थिंग। पे ऑफ क्यों है अभी? हाँ, ब्लैक शो हो रहा है मुझे भी, मेरे मतलब मोबाइल पे मैं जब चेक कर रही हूँ तो मोबाइल पे ब्लैक ही दे रहा है। एक मिनट, अभी ऑन करके देखो। मेरे ख्याल से वहां से कुछ इशू है, क्योंकि कल भी मुझे ऐसा लगा मेरी तरफ से इशू है। मैंने क्लास का मतलब कैंसिल कर दिया कि क्या हो गया। चलो लेट्स सी, वी विल कंटिन्यू आवर स्टडी। चेक कर लेते हैं हमारा। अच्छा, तो यूनिट वन में हमने सॉरी पार्ट वन में देखा था टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर के जीएसटी के मतलब मीनिंग क्या होता है, जीएसटी के टाइप क्या होते हैं। आपको जीएसटी कैलकुलेशन करने वगैरह नहीं आता है, सिर्फ आपको जीएसटी का कंटेंट पूछा जाता है। ये सब में सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, सब में सिंपल यूनिट हो जाता है। और इसके अंदर हम लोगों को इनकम फ्रॉम पर्सन यानी इंडिविजुअल की सैलरी के हिसाब से कौन कौन से एडीज के हिसाब से डिडक्शन का इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर वो पर्सन सैलरी कर रहा है तो उसको एटी डी में क्या बेनिफिट है, एटी सी में क्या बेनिफिट है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन 30% जो हम लोग को डिडक्शन की वैल्यूएशन मिल जाती है, कि आपको एग्जम्प्ट मिल जाता है, तो वो 30% का क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए 30% का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आपका ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या हम इंडिविजुअल है, हफ है, उसके बाद हफ के बाद में अगर कोई कंपनी है या कॉर्पोरेट फील है तो उनका कितना कितना क्राइटेरिया, ये सब हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नाउ आईटी एक्ट 2000, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज इनएक्टेड बाय द इंडिया पार्लियामेंट इन 2000। आईटी का एक्ट जो था, यानी इनकम टैक्स का जो एक्ट था, वो कब लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर? 2000 में। इट इज प्राइमरी लॉ इन द इंडिया फॉर मैटर रिलेटेड टू द साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स। यानी ये जो लॉन्च हुआ था ये साइबर क्राइम और ई कॉमर्स के लिए हुआ था।
द एक्ट वॉज इनेक्टेड टू गिव द लीगल सेंक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन टू अनेबल द गवर्नमेंट ऑल्सो द प्रिवेंट साइबर क्राइम. ये कहां से आ गया? आईटी का इसमें क्यों दे रहा? चलो इस बहाने आपको ये तो समझ में आ गया आईटी का आपको नो इशू. बट स्टिल हमारा ये सिलेबस नहीं है. हमारा सिलेबस है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का. मेबी हमारी 2025 तक स्लाइड हो चुकी. मैं एक बार पूरा होल मतलब थोड़ा थोड़ा बता के रिवाइज कर लेता हूँ, आपका अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा. तो देखो सर्विस टैक्स इज अ पार्ट. हमने सर्विस टैक्स भी देखो, टैक्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडिया मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या चीज हो जाती है. मेरे ख्याल से हमारा नहीं हुआ है. डायरेक्ट टैक्स के बारे में हम पढ़े थे. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने पढ़ा था. फिर डायरेक्ट टैक्स क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाता है, ये पढ़ा था हमने. फिर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो वैट हट जाता था, वैट की जगह पर जीएसटी ने कन्वर्टेशन ले लिया था. सेल टैक्स की जगह पे, सर्विस टैक्स की जगह पर अभी जो टैक्सेस वसूल किए जाते हैं, तो पहले हम अलग अलग टैक्सेस के नाम पे जो वसूल करते थे, अब उनको सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, जीएसटी. व्हाट आर द मेजर स्टेट टैक्स इन इंडिया? तो इट इंक्लूडिंग द स्टेट फूड एंड सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन. तो ये मेजर, यानी इससे ज्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं. कस्टम ड्यूटी होता है, इंटीग्रेटेड फूड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाते हैं. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सीजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है. लाइक भारत के ये सब चीजें हमने देखा था. देन उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये भी हमने देखा है. टैक्स पे ही कितने होते हैं, 0% का, ये चार्ट भी हमने देखा था. उसके बाद अब आ जाते हैं कि एग्जम्प्ट. पीपल वर्किंग एज एम्प्लॉय एंड अर्निंग अ सैलरी गेट सम एग्जम्प्शन. सैलरी इंक्लूडिंग अ बेसिक पे, ये भी हमने देखा. हाउस रेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सारी चीजें मिल जाती है. अ सैलरी इंडिविजुअल हैज सम एग्जम्प्शन, उसके अंदर रेंट अलाउंस हम लोगों को क्या हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है. कभी कभी जो कंपनी हमको अपॉइंट करती है वही हमारा रेंट पे करती है. डिडक्शन होता है कि जिसकी सैलरी 50,000 तक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हम 50,000 कर सकते हैं. कितना कमा रहा है वो 5,00,000 रुपए तक के अंदर कमा रहा है, तो 5,00,000 के ऊपर अगर कमा रहा है तो हम 50,000 तक का डिडक्शन देते हैं. मैंने इससे भी आपको बताया ATD किस लिए होता है और ATE के अंदर क्या है. ATD हो जाता है प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पे इसको याद रखो, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी टैक्स डिडक्शन होगी वो ATD के अंदर जाएगी. ATE के अंदर हम एजुकेशनल लोन डिडक्शन, इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह हम लोग क्या करेंगे, E4 याद रखो, I से इंटरेस्ट की जगह E से इंटरेस्ट याद रखो. तो ATE का आपको सेक्शन अच्छे से याद हो जाएगा. ATEE डिडक्शन, यानी ई तो है इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ अ होम लोन. ATC क्या कहलाता है? दिस सेक्शन अलाउ द डिडक्शन अप टू 1,50,000 द इंडिविजुअल हैव इन्वेस्ट इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ डिडक्शन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में. यानी अगर वो गवर्नमेंट के किसी भी पार्ट्स में अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पर उसको ATC का भी बेनिफिट मिल जाता है. ओके, फिर ये भी हमने देखा था पैरामीटर्स, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर. तो फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं. IDR का फॉर्म कब हुआ था, इट इज अ फिल आउट. IDR का फॉर्म, यानी हम लोग को एक स्पेसिफिक फॉर्म भरना होता है. Then it is a mandatory. It is someone want to avail the any loan, जिसका किसी का लोन चल रहा है, such as the house loan or the car loan. तो IT form इसके लिए compulsory हो जाता है. Yes, IT form इसके लिए क्या हो जाता है, compulsory हो जाता है. क्योंकि अगर आपको IT file करवाना compulsory कहते हैं हम लोग. IT file क्यों करवाना compulsory होता है, ताकि हमको पता चल सके कि ये मतलब person की income genuinely कितनी है और क्या है और कैसे चल रहे हैं. इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट IDR 1, IDR 2, IDR 3 इसके कंसेप्ट दिए हुए थे कि जो पर्सन इतना कमा रहा है तो उसको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा. IDR 2 का फॉर्म किसको भरना, IDR 3
ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम पे देख ली थी, बस एक छोटा सा रिवीजन दिखा रही थी मैं आपको। यहाँ से भी हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारी चीजें कंप्लीट हुई थी। नाउ फिर उसके बाद आ जाता है एडिशनल कंडीशन, हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया, ये भी हमने देखा था कि इंडिया में 730 दिन रहेगा तो कितना पे करेगा, मिस्टर जोसेफ का एग्जाम्पल देखा था। अब एक एग्जाम्पल देख लेते, मिस्टर ए इज अ नॉन रेसिडेंट अर्न 36,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन द जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड, ऑफ दिस ही रिसीव अ 1/6 इन इंडिया, जिसमें से वो अपना 1/6 हिस्सा जो है इंडिया में पेमेंट ले रहा, द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड एज अ इंटरेस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ हिज ग्रॉस टोटल इनकम, आंसर ₹6,000, 1/6 हमने निकाल लिए तो 6×6=36। ओके, अब ये जो आता है इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम द बिजनेस है और प्रोफेशन है, और इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन है और इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सी इनकम हो गई? वो नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में तो नहीं, मतलब इंडिया का तो रहने वाला नहीं, बाहर का रहने वाला है, लेकिन वो इंडिया आया हुआ है, तो इंडिया आने पर उसकी जो सैलरी बनी थी एज अ कमीशन, जो भी उसका रेम्यूनरेशन था, तो उसका 1/6 हिस्सा उसको इंडिया में दे दिया गया कि ले बेटा तू खा ले इंडिया में जाकर, तो टोटल इनकम का ₹6,000 उसको मिल गया। अब ₹6,000 उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। कोई बता सकते हैं मुझे क्या होगा? मिस्टर एक्स एक अनिवासी ने जर्मन विकास बांड पर ब्याज के रूप में 36 कमाए, इसमें उन्होंने भारत में 1/6 प्राप्त किया, उसकी शक्ल कुल आय के परिश्रमिक के लिए ब्याज के रूप में शामिल की जाने वाली राशि 6,000। द्वितीय, तो ये वेतन से आया, ये गृह संपत्ति से आया, व्यापार या पेशे से आया, पूंजीगत लाभ से आया, अन्य स्तर से आया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एनी अदर, मेघा यस, मेघा इज द राइट पर्सन, किसी और ने ट्राई क्यों नहीं किया? देखो क्या होता है पता है, देखो सैलरी मतलब को इनकम, मेरे पैसे, मेरे पास पैसा आ रहा है ना, मेरे पास पैसा आ रहा है इंडी पर। मिस्टर एक्स एक अनिवासी ने जर्मन विकास बांड पर ब्याज के रूप में 36,000 कमाए, इसमें उन्होंने भारत में 1/6 प्राप्त किया, उसकी शक्ल कुल आय के परिश्रमिक के लिए ब्याज के रूप में शामिल की जाने वाली राशि 6,000 है। द्वितीय, वो आया है, वेतन आए है, ग्रह संपत्ति से आए है, व्यापार या पेशे से आए है, पूंजीगत लाभ से आया है या अन्य स्रोतों से आया है, बता दियो मैं बेटा। तो देखो यहाँ पर हम लोग इनकम देखते हैं, इनकम आ रही है तो इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर बंदे को सैलरी मिल रही है कि बाबा तुम्हारी सैलरी है तो तुम पूरी सैलरी ले लो, जब तुम जॉब करोगे तो तुमको सैलरी मिलेगी, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, फिर वो किधर भी रह के कमाए। ओके, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर तुम्हारे पास एक घर है या चार घर है, एक घर में तुम खुद रहते हो, बाकी के तीन घर तुमने रेंट पे दे रखे, उसका रेंट आ रहा है, तो वो तुम क्या कहोगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या तो तुमने कोई डील की, या तो तुमने किसी के साथ कुछ बिजनेस के अंदर कुछ चीजें की, तो उसकी वजह से तुम्हें कमीशन मिल गया, तुम्हें इंटरेस्ट मिल गया, तो इट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन, अगर आपने किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया और वो पैसा जो है आपका इंक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ पर आपने कैपिटल के जरिए से पैसा कमाया, इन्वेस्ट करके पैसा कमाया, तो इट इज कॉल्ड अ कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, या किसी अन्य जरिए से आया तो उसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये जो आएगी, ये इनकम दोनों टाइप में आ सकती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि वी डोंट नो दैट कि वो कौन सा काम कर रहा है, उसने एज अ इंटरेस्ट लिया रेम्यूनरेशन ग्रॉस टोटल इनकम पे, उसकी जो भी इनकम आ रही थी उसके ऊपर उसको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला, तो ये क्या हो जाता है? इंटरेस्ट से कमीशन का नाम जब भी आएगा, हाँ, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोफेशन भी कह सकते हो और अदर सोर्स से। अदर सोर्स ऐसा होता है कि आप अपना बिजनेस छोड़ के किसी और बिजनेस में जब पैसा लगाते हो, वहां से जब आपको इनकम आती है, इट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, अब आ जाता है अलावेंस पे, देखो। हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसेप्ट, compensation received by the any employee from the his employer or termination of a job, profit in lieu of the salary pension received by the widow of an employee,
income from other source, foreign allowance of renting a service abroadly. Fully exempt from the tax, children hostel. देखो तृतीय वेतन से आय महत्वपूर्ण बिंदु कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता से नौकरी की संपत्ति पर प्राप्त मुआवजा वेतन की एवज में लाभ कर्मचारी की विधवा द्वारा प्राप्त पेंशन अन्य स्थितियों से आय विदेशी में सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेशी पत्र करके पूरी तरह छूट चिल्ड्रन हॉस्टल को मिलती है। बेटा यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ ना बेटा, नो बिजनेस प्रॉफिट इज अ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस के अंदर अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आप कोई भी तरह का बिजनेस स्टार्ट, देखो बिजनेस प्रोफेशन के अंदर आप बिजनेस के अंदर आपको सिर्फ प्रॉफिट भी नहीं होगा, आपको इनकम भी आएगी, आपको कमीशन भी मिलेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, तो इट इज कॉल्ड अ बिजनेस फॉर प्रोफेशन। ओके डियर, अब यहाँ पे होते हैं अलावेंस एग्जाम अप टू स्पेसिफाइड लिमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कंपनसेशन रिसीव एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट 5 लाख रुपीज सैलरी बोनस कमीशन ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर हो जाता है रिसीव बाय द वर्किंग पार्टनर, ओके रिसीव वर्किंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन पेंशन रिसीव बाय द, देखो यहाँ पर उसने मेंशन किया है रिसीव बाय द वर्किंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन पेंशन रिसीव बाय द विडो ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ मशीनरी यूज इन द बिजनेस इनकम फॉर द शॉर्ट टर्म, हम उसे एज एक पूरा कंसेप्ट करना रहता है। तो सैलरी इंक्लूडिंग सैलरी के अंदर क्या होता है अलाउंस होते हैं, फुली टैक्सेबल अलाउंस भी होता है, ये कौन से होते हैं डीएनए अलाउंस मेडिकल फिक्स मेडिकल अलाउंस टिफिन अलाउंस सर्वेंट अलाउंस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हिल अलाउंस गार्डन अवेयरेंस प्रोटेक्शन अवेयरेंस ये सारी चीजें अलाउंस क्या हो जाते हैं इसके अंदर कैलकुलेशन हो जाते हैं, यानी जो आपको यहाँ पर हम लोगों के इसमें से पैसे कट कर सकते हैं या गवर्नमेंट हमको इस तरह में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीफ दे सकती है। वेतन में भर्ती शामिल है पूरी तरह से कर अयोग्य भर्ती डीबी निश्चित चिकित्सा भर्त सी टिफिन भर्ती डी नौकरी बताई ई गैर अभ्यास भत्ता एक पहाड़ी भत्ता जी वार्डन भत्ता और प्रोटेक्टर भत्ता एच गैर अभ्यास भत्ता ये सारी चीजें एक चीजें आपको बता दी गई कि ये एग्जम्प्ट है कि नहीं। फुल्ली एग्जम्प्ट कौन कौन सा है फॉरेन अलाउंस और सम्प्टरी अलाउंस अलाउंस फ्रॉम यूनो यूनाइटेड नेशन स्कोप आपने देखा होगा एग्जाम्प्ट इन प्लेस फॉलोइंग एक्चुअल एच आर ए रिसीव rent paid less 10% salary 50% salary of a house other 40% salary for the hr including a basic salary plus dna allowance yani aane jaane ka kharcha ho sakta hai koi bhi cheezon ke kharche aapke jo hai exempt ho jate hain fir exempt is a lease of the following kahan par hota hai rent paid less 10% salary ho jata hai agar aap rent khud pay kar rahe ho to salary mein se aapko 10% deduction mil jata hai 50% salary if house is a metro otherwise अगर आप किसी सिटी वगैरह एरिया में रहते हो तो 50% सैलरी भी जाता है और मतलब 50% का जो अलाउंस का आपको डिसाइड क्या होता है वो पूरा जाता है 40% सैलरी ऑफ एचआर इंक्लूडिंग अ फॉलोइंग बेसिक सैलरी इट इज टेकन ओनली इफ इट इज अ पर टर्म और एम्प्लॉय टीपी फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर स्पेशल अलाउंस फॉर मीटिंग द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ अ एम्प्लॉय चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो जाता है एक्सेप्ट अप टू 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर द टू चिल्ड्रन। देखो यहाँ तक आपको एजुकेशन जो होती है गवर्नमेंट में जो जॉब करते हो गए या आपके मतलब फादर मदर या कोई भी रिलेटिव तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन फ्री हो जाता है अप टू 2 चाइल्ड फिर वो कहीं पे भी पढ़े चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस बन जाता है 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर द मैक्सिमम ऑफ द 2 चाइल्ड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल जाता है 1600 पर मंथ इन केस ऑफ अ ब्लाइंड डीप और डम्प ऑफ अ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट हो जाता है। स्पेशल अलाउंस मीटिंग ऑफिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ अ एम्प्लॉय सेक्शन 10 एंड ट्रैवलिंग अलाउंस डेली अलाउंस कन्वीनियंस अलाउंस हेल्पर अलाउंस एकेडमिक अलाउंस एंड यूनिफॉर्म अलाउंस यस द वैल्यू ऑफ अ फ्री अकोमोडेशन इन दिल्ली प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय इन द प्राइवेट सेक्टर 15% ऑफ अ सैलरी एक्सपेक्टेड ऑफ अ एम्प्लॉय ये सारी चीजें आपको खाली एक नॉलेजेबल देने की थी कि आपको ये बेनिफिट मिल जाता है ये आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने पेपर में लिया है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। हाँ ये चीज इम्पोर्टेंट है देखो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है ग्रेच्युटी होती है ग्रेच्युटी के ऊपर क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट इम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम और नॉन गवर्नमेंट इम्प्लॉय
के लिए है 1972 ग्रेच्युटी एक्ट कवर द एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट पोर्शन इज एटलीस्ट अमाउंट 1.15 डे सैलरी फॉर एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस और द पार्ट देयरफॉर इन एक्सेस ऑफ अ 6 मंथ 20 लाख ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव सैलरी माइनस क्या हो जाता है बेसिक प्लस जीएनए अलाउंस 15 डे सैलरी एटलीस्ट मंथ यानी आपको क्या करना है आपके सैलरी में से कुछ हिस्सा अगर आप सेविंग करते जाओगे तब आपको रिटायरमेंट ग्रेजुएटी बेनिफिट ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं एम्प्लॉय नॉट कवर ऑफ द पेमेंट ग्रेजुएटी एक्ट 1972 एटलीस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीट ईयर एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव सैलरी प्लस बेसिक है ये सारी चीजें उसमें आ जाती है एनकैशमेंट ऑफ अर्निंग लीव ड्यूरिंग द सर्विस फुली टैक्सेबल आफ्टर रिटायरमेंट मैक्सिमम अमाउंट एक्सेप्ट हो जाता है Compute pension, government employee, fully exempt, private employee, exempt will be as a following. Norm of a pension, if gratuity received or any, it does not receive a gratuity. These are the things which are in between. Compute pension, government employee, ke liye kya ho jata hai? Exempt ho jata hai. Private employee ka exempt hota hai, will be as follow. One third of a norm. Private koi koi institute hota hai. Yes, like house, car or phone. और दूसरी चार चीज एक आपको बता दूं हम लोग जब पेंशन की बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो भी आजकल पेंशन वगैरह प्रोवाइड करने लगे हैं इफ ग्रेजुएटी रिसीव अगर वो करता है तो हाफ ऑफ द नॉर्मल पेंशन इफ डज नॉट रिसीव द ग्रेजुएटी डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी सेक्शन 161 एंड कैशमेन अलाउंस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्रीज द फॉलोइंग ये आपको रीज बता दी गई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है क्वेश्चन गिवन इन द फॉर्म मेंशन रिलेटेड टू द हाउस देखो ऐसे क्वेश्चन आपको हो जाते हैं तो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट एक्चुअल रेंट म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर मार्जिनल वैल्यू ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट 40,000 मार्केट वैल्यू सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट 40,000 व्हाट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस सॉल्यूशन देखो एक्सपेक्टेड रेट कितना है उसका रेंट यानी स्टैंडर्ड रेट कितना है 160 एक्चुअल कितना है 20,000 सॉरी एक जीरो से पड़ गया 20,000 पर मंथ बोला तो उसे 10 महीने का हिसाब लगाया ओके तो 2 लाख ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो गया 2 लाख लेस म्युनिसिपल टैक्स उसमें से 30,000 कर लो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,70,000 ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते इंपॉर्टेंट पॉइंट रेंट फ्रॉम वैकेंट प्लॉट ऑफ अ लैंड इज एक्सेसिबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स रेंट फ्रॉम द सबलेटिंग chargeable under the head of income from the other source. देखो एक rent है तो खाली पड़ा था अब उसके ऊपर भी अगर आपने कुछ चीजें करने के लिए accessible दे दिया तो उसके ऊपर अगर कुछ income आ रही है तो वो भी calculation होगी. Rent from paying guest accommodation is accessible under the head of the profit gain from the business of the profession. Question: Calculate the gross annual value of the detail. Municipal value 45,000, fair rent value 50,000, standard 48,000 एंड एक्चुअल तो इसमें हायर लोअर हायर हम करके लेते हैं हायर लोअर और हायर में मतलब ग्रॉस कितना था 48,000 टू सेल्फ ऑक्यूपेशन प्रॉपर्टी विल बी नील वन विल बी नील 2019 डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी 1.30% नेट एनुअल वैल्यू इंटरेस्ट ऑन द लोन पेड ईयर अगर उसने इंटरेस्ट कुछ दिया है तो 1/5 चला जाएगा तो ये ऐसे कैलकुलेशन पार्ट होते हैं इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपको डीपली मैं अच्छे से बताऊंगी जिसको हम लोग ने यूनिट वाइज कवर अप करने के लिए मैंने क्वेश्चंस बना के रखे ओके इनकम फ्रॉम बिजनेस और पेंशन प्रोफेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसके लिए डेमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है डेप्रिसिएशन होते हैं कि कितनी वैल्यू से इनकम घट गई कितनी वैल्यूशन इंक्रीज हुई उसके लिए हम लोग अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से डेप्रिसिएशन का अलाउंस भी कवर अप कर सकते हैं व्यापार या पेशे से आय महत्वपूर्ण बिंदु मूल्यह्रास का दावा करने के लिए मूल्यह्रास चार्ज करने की हासमान शोष विधि के आयकर अधिनियम 1961 के तहत अनुमति दी गई है एक नए टेलीफोन स्थापित करने की लागत आयकर अधिनियम 1961 के तहत अनिवार्षित महसूल को सेटअप उद्देश्य के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है उत्तर अनिर्दिष्ट अवधि के लिए भुगतान की अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक मोड का आयोग करें
इज क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो, यहाँ तक सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो, यहाँ पे जैसे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है। अगर कॉस्ट इंडेक्सिंग बेनिफिट इज नॉट अलाउड टू द डिबेंचर इशू बाय द कंपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ द कंपनी बोनस शेयर अलॉटेड 1 अप्रैल 2000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो यहाँ पर ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, इसे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, कितना डिडक्शन है कितना नहीं, आपको इसमें लर्न क्या रखना है, डिडक्शन का सेक्शन, सेक्शन डिडक्शन बहुत सॉरी इम्पोर्टेंट है। Section 54 F shall not be allowed if the assessee on that date transfer owns more than one residential house. 54 EC maximum deduction 50 lakh. Sorry. Just hold on. So, आपको पता है हिचकी क्यों आती है? एनीवन नो? आपको होता है? प्लीज लेट मी नो, आप लोगों को पता है हिचकी क्यों आती है? जैसा भी मेरे साथ हुआ, एनीवन प्लीज गेस, कोई बता सकता है? नहीं जया, ये खाली ऐसे कहने की बात है, साइंटिफिकली क्या रीजन है कुछ के आने का? अच्छा टॉपिक है इसलिए मैंने बीच में से पूछ दिया। सो आई विल एक्सप्लेन यू, जब हमारा हार्ट जो हमारे ब्रेन तक है, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन बीच में कहीं ना कहीं अगर रुकता है, ओके, तो ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से पानी जो है हमारी, मतलब जो बॉडी में सर्कुलेशन होते हैं ना, स्पीड करंट जैसे पास होता रहता है, तो ब्लड जो है पास होता रहता है, तो हार्ट तक कहीं ना कहीं पहुंचने में उसको अगर डिफिकल्टी आती है तब हमको हिचकी आती है। इट इज अ मेन रीजन ऑफ अ हिचकी, सो याद रखो इस बात को। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इट इंक्लूडिंग अ इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर वो हॉर्स रेस मतलब जीता है, लॉटरी से मिला, डिविडेंड या इंटरेस्ट से पैसा मिला, तो वो किस में आ जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। दिस क्लियर? यहाँ पर उसके कुछ डिडक्शन है, वो इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट ऑडिट अंडर सेक्शन 44 भी। अगर कोई हफ है तो उनको नहीं है। हु इज आर रिस्पॉन्सिबल पेइंग अ रेसिडेंशियल एनी रेंट शैल डिडक्शन इनकम टैक्स फॉर द यूज एनी लैंड एंड बिल्डिंग ऑर द बोर्ड इफ द रेंट एग्जिस्ट 50,000 पर मंथ। अगर किसी की प्रॉपर्टी को लेकर अगर हम कुछ काम डील कर रहे हैं और उसके ऊपर पैसा कमा रहे हैं, तो 50,000 के ऊपर जब कमाई गए तब हमको डिडक्शन है, अदरवाइज सॉरी फिर हमको टैक्स पे करना है, अदरवाइज नो डिडक्शन। टीडीएस का सेक्शन है सैलरी सेक्शन 192, डिविडेंड सेक्शन है 194, विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेस सेक्शन है 194 पीबी। फ्रॉम 2020 टू 21 इफ द ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज लेस देन 5 लाख, इफ यू मे डिपॉजिट इन द बैंक पोस्ट ऑफिस टर्म फिक्स डिपॉजिट the total annual interest of the such account is less than 40,000. Bank and post office did not deduct a TDS up to 40,000. Bank and cooperative society will deduct a TDS when interest more than 40,000, other case 5,000. ठीक है, अगर कोई बंदा 5 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में रखा है, ठीक है, और अगर उसका इंटरेस्ट वैल्यू जो है, यानी
40,000 रुपए से कम, हाँ 30%। तो नहीं, यहाँ पर टीडीएस अलग कंसेप्टेड ईयर, दोनों को मिक्स मत करो। यहाँ का टीडीएस देखो, एक बंदे ने यहाँ पे पैसे जो है 5 लाख रुपए अपने बैंक में जमा रख दिए, तो साल भर के बाद जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगर उसकी इंटरेस्ट की वैल्यू 40,000 के ऊपर जाएगी, तब गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर टैक्स लागू करेगी। ओके, अगर यहाँ पर वो कमाया हुआ नहीं बता रहे, यहाँ पर बता रहा है कि 5 लाख रुपए उसने लेकर जाकर उसको मिल गया, किसी ने दे दिया 5 लाख रुपए, उसने जाकर बैंक में रख दिया। अब वो बोला मेरा तो कुछ काम है नहीं, 5 लाख रुपए की बैंक रोलिंग करेगी। 5 लाख रुपए का अगर मेरा इंटरेस्ट जो है, एक साल का इंटरेस्ट 5 लाख के ऊपर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना बनेगा, कितना बनेगा मैक्सिमम? तो 10% देखने जाओगे तो भी मतलब उसका ये नहीं होगा, 10% तो नहीं मिलता। हम लोग को 1 या 2% मिलता है, तो 1% जो है 500 या 5000, 5000 तक आ जाएगा। तो एग्जैक्टली जब इतना अमाउंट है, अगर 40,000 के ऊपर किसी का इंटरेस्ट जाता है, तो उसको टीडीएस पे करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूडिंग अ रेंट, रेवेन्यू फ्रॉम द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोडक्ट फिट टू द मार्केट, इनकम फ्रॉम सैलरी प्रोडक्ट, इनकम फ्रॉम स्लैपिंग सीडिंग, इनकम फ्रॉम द सेल्स रिप्लेंटेंट ट्री। कोई भी एग्रीकल्चरल को प्रोडक्ट को लेकर अगर आप बाइंग और सेलिंग करते हो, और इसके अंदर गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द ग्रोइंग द मैन्युफैक्चरिंग टी 60%, डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम इज 40% इन द बिजनेस इनकम, एग्जम्प्ट इनकम स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेक्शन 10AA अलाउंस, 15 ईयर्स डिविडेंड डिक्लेरेशन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द म्यूचुअल फंड, 19 एडवांस टैक्स इज पेएबल इन द प्रीवियस ईयर, इंडिविजुअल एसिडेंट इन चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन of the business or profession, is of the age of the 60 years or more at any time during the previous year. Due date is respect to advance tax are as follows. SSC date होती है कि जैसे जैसे अगर आपने एग्रीकल्चरल किया तो जून के महीने में तक अगर आपका इनकम का कैलकुलेशन होता है, तो आपको इतना परसेंट पे करना होता है, फिर इतना परसेंट, फिर इतना परसेंट, फिर इतना परसेंट। सेक्शन 80 के अंदर जैसा 80C में हमने देखा था, LIC प्रीमियम पेड बाय द to respect of the self, spouse and son and daughter can be deduction upon 1,50,000. Contribution to GIS, contribution to the government provident fund, be an additional deduction 50,000. Under section 80CCD 1B is available to assess you over the benefit 1,50,000. Therefore, rising a maximum limit of the 2 lakh rupees. यानी अगर हमने कहीं पे भी contribution किया, जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट की किसी भी एनजीओ को पैसा वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमको इतना इतना बेनिफिट मिल सकता है। 80D के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हेल्थ और इंश्योरेंस से रिलेटेड है, मैक्सिमम 50,000 तक जाता है। पेरेंटिंग के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए जो होता है, पेरेंटिंग के लिए 25,000 है, पेरेंट सीनियर है तो 50,000 है, सेल्फ फैमिली इंक्लूडिंग मैक्सिमम, यानी आप इतना जो है एक बजट बना के चल सकते हो। मेडिकल एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख लो। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेल्फ फैमिली सीनियर सिटीजन विथ मैक्सिमम 50,000 है, सीनियर पेरेंट्स है तो 50,000 है, मैक्सिमम 50,000, यानी इन केस मेडिकल के लिए आपको जितना भी है 50,000 तक की बचत है, उसके अलावा जो भी पैसा है वो टैक्सेबल में होगा। ADDDD maintains are including a medical treatment of dependent, ADDDB medical treatment specific diseases ke liye ho gaya hai, jaisa section ADE mein hua tha, interest on loan taken for the higher education, section ADEEA interest up to 1,50,000। ye itne sare aapko yaad nahi karne, ye sirf maine extra aapko concept clear karne ke liye kiya, is this clear? jaisa ki ek question hai yahan par, Mr. X donated a 20,000 to charitable institute which is eligible for deduction ADG, एक ऐसे ट्रस्ट को पैसा दिया जिसके अंदर ADG का बेनिफिट मिलता है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 लाख हाउ मच, मतलब सॉरी फिफ्टी लाख उसकी सैलरी थी, हाउ मच डिडक्शन ही क्लेम अंडर सेक्शन 80G, तो 7,500। तो क्यों डोनेशन ऑफ केरला चीफ मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड कैन बी इंक्लूडिंग अ डोनेशन 100% विदाउट द लिमिट फी। ADGG के अंदर रेंट पेड होता है एंड ऑल दिस थिंग।
ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी बनाकर दे दिए ताकि आपको अगर फ्यूचर में सीए वगैरह की लाइन में भी अगर किसी से कुछ डिटेल लेनी देनी हो तो आप इसे देख सकते हैं। इट इज नॉट अ कंपल्सरी बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से मैंने आपको दे दिया। तो देखो एग्जाम्पल ऑफ 50% डिडक्शन लिमिट, नेशनल चाइल्ड फंड में या राजीव गांधी फंड में अगर आप पैसा डालते हो आपको 50% तक की छूट है। डिडक्शन फ्रॉम रेंट पे, अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आपको 80GG के थ्रू से बेनिफिट है। डोनेशन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट डिडक्शन 80GGA। इज दिस क्लियर? ये आपको सेक्शन पूछ सकता है, इसलिए एटलीस्ट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन जो सी ए डी वगैरह जो मैं भी आपको करा रही हूँ वो इनशाला आप बहुत अच्छे से कवर करो और इस चीज को रिकॉर्डिंग कर लो, मतलब अपनी नोटबुक में। ओके, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस मैंने कवर अप किए थे वो जो आपके सामने रखे। ओके, कल अभी हम देखेंगे, मैं सोच रहा हूँ आज के लिए इतना बस, कल हम यहाँ पर आगे से यहाँ से देखेंगे कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की सैलरी के हिसाब से डिडक्शन क्या क्या होगी वो हम देखेंगे। Anything else? Anyone? Any doubt? Important topic है, छोटा सा है, बीच में 2 दिन हमारे वेस्ट हो गए, अदरवाइज हम कवर अप कर लेते। ठीक है, कोई दिन ऐसे भी होते इंशाल्लाह, चलो देख लें। ठीक है एवरीवन, चलो बाय बाय एवरीवन। बाय एवरीवन, कल इंशाल्लाह आगे का पार्ट कन्वर्ट करेंगे।